नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। आज बख्तियारपुर में सीएम नीतीश कुमार थे जब एक युवक ने उन पर हमला कर दिया, उनके कंधे पर एक मुक्का चलाया। और अभी की जो बड़ी खबर है वो ये है कि ये युवक जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया गया है, और इसी वजह से उसे समझ नहीं था कि वो क्या कर रहा है, और उसने सीएम नीतीश कुमार पर हाथ उठा दिया। उसकी स्थिति को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने युवक पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं किए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बख्तियारपुर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवी स्वर्गीय पंडित शीलभद्र याजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे, इसी दौरान एक युवक सुरक्षा घेरे में घुसकर नीतीश कुमार पर हमला कर दिया। उसके बाद सीएम की सुरक्षा में लगे लोगों ने उसे दबोचा और पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि श्याम सुंदर वर्मा के 32 वर्षीय पुत्र शंकर कुमार वर्मा उर्फ छोटू मानसिक तौर पर अस्वस्थ है। अबू मोहम्मदपुर बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र का रहने वाला शंकर के पिता परिजनों ने बताया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कुछ साल पहले वो 2 मंजिला इमारत से कूद गया था और एक बार फांसी भी लगाकर आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है और बच्चे उसकी पत्नी के ही साथ रहते हैं। सभी पहलुओं को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस व्यक्ति पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उसकी समस्या समझकर उसे प्रॉपर चिकित्सा में सहयोग प्रदान करने की भी बात जो है उन्होंने अधिकारियों से कही है। तो ये आज जो बड़ी घटना हुई उस पे एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ जो अभी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बख्तियारपुर में यह घटना हुई, मगर युवक जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो नीतीश कुमार ने उस पर कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। आपको बता दें कि सुरक्षा में चूक तो हुई है, क्योंकि सुरक्षाकर्मियों के मौजूदगी में भी जब एक युवक इस तरह घुसकर सीएम पर हाथ उठा सकता है, भले ही वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, लेकिन ये सुरक्षा में चूक तो है। मगर चिंता इस बात की करनी होगी सुरक्षा कर्मियों को भी और सीएम नीतीश कुमार को भी कि ऐसी कोई घटना तब ना हो जब कोई आक्रोशित युवक किसी गलत मानसिकता के साथ करीब आ जाए, क्योंकि ये बिहार के मुख्यमंत्री के साथ हुई ऐसी घटना कहीं ना कहीं बेहद ही चिंताजनक है। हमने आपको सबसे पहले लाइव बिहार पर वो तस्वीरें दिखाई थी जब यह युवक जो है वो नीतीश कुमार पर हाथ उठाता है, और उसके बाद सुरक्षाकर्मी जो है उसे अपने कब्जे में लेते हैं, दबोचते हैं और फिर वो पुलिस हिरासत में लिया जाता है। लेकिन अब की अपडेट जो है वो यही है कि यह युवक जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया गया है। बहरहाल आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, अपडेट और खबर आप तक हम सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।